ये देखिए G1 4G सैमसंग का है, जो कि मैंने टच लगा के दिया था कस्टमर को और ये रिटर्न आ गया। कस्टमर का प्रॉब्लम है कि टच नहीं काम कर रहा है फिर से, तो इसमें हमने है ना कल ही टच लगाए थे। इसका अभी पूरा सा गोंद भी नहीं हटा है, इसमें अभी पूरा साइड साइड से आप गोंद देख सकते हो। देखिए गोंद गोंद भी नहीं इसका हटा हुआ है। हमने कल ही टच लगाए थे और कस्टमर को जब दिए थे तो उसका टच चालू अवस्था में दिए थे। सैमसंग का J1 4G है, इसको करना कुछ नहीं है, ये सेपरेट मशीन है जिस पर आप होल्डर को डिस्प्ले टच अलग करते हैं काटते हैं, उसको थोड़ा देर के लिए सुरख दीजिए, उसके बाद उसको हटा लीजिए, थोड़ा देर के लिए ठंडाने दीजिए। इन्हें कहना इसको ठंडा होने दीजिए डिस्प्ले को, नहीं तो ब्लैक आ जाएगा डिस्प्ले। थोड़ा देर ठंडा होने के बाद इसको ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद इसको चेक कर लीजिए टच आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 100% है कि टच आपका काम करेगा ही, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा, इससे पहले भी हो चुका है। तो बहुत सारे दुकानदार इसमें है ना इसको टच चेंज करने में लग जाते हैं, हमारे साथ खुद हो चुका है। तो हमने सोचा कि इसको है ना एक बार टच को हीटिंग करके देखें, और इसको हीटिंग करके देखे थे तो एकदम आराम से काम कर रहा था। ये देखिए अब इसका टच भी काम करेगा, देखिए टच काम इसका वर्क करने लगा। इसमें होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा देर के लिए है ना हीटिंग पर रख दीजिए, ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। देखिए सारा बटन भी काम कर रहा है, सारा टच काम कर रहा है।